नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सोहराब पटेल ने आज इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल से मुलाकात कर ग्राम पंचायत बाग की प्रमुख मांगे और उनके सामने रखी है, जिसमें कि चिन्हित स्थानों पर स्पीड ब्रेकर, नगर निगम की पाइपलाइन निकलने वाले सड़क के घर को कनेक्शन देने की मांग की है और पंचायत क्षेत्र में चल रहे स्वच्छता कार्य का दौरा करने का निवेदन कर जिस पर उन्होंने राजीमंदी कर दी है। नमस्कार, मैं सोहराब पटेल, सरपंच बाग। ग्राम पंचायत की प्रमुख तीन समस्याओं को लेकर आज इंदौर नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल से मुलाकात की। सबसे पहली बात, हमारी ग्राम पंचायत से नगर पालिका निगम नर्मदा की लाइन को लेके, नर्मदा की लाइन जो डलने वाली है उसमें हमने मांग की है कि ये जो नर्मदा की लाइन जो नगर निगम की डल रही है, इसमें हमारे जिस रोड से डल रही है उन लोगों को वहाँ पे नर्मदा के कनेक्शन, नलों के कनेक्शन मिलना चाहिए। दूसरी बात, धार रोड पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसको लेकर मैंने माननीय महोदय से निवेदन किया, उन्हें तत्काल स्पीड ब्रेकर मंजूर करते हुए तत्काल 8 दिन के अंदर अंदर एक दरगाह के यहाँ, दरगाह चौराहे पे अपने हजरत दावल साहब की दरगाह जो ग्रीन पार्क के लिए मुड़ते हैं वहां पे, दूसरा नूरानी नगर चौराहे पे स्पीड ब्रेकर को एक्सेप्ट मंजूर किया और तत्काल उस पे करा के उस पे ठेकेदार को बोला कि तत्काल वहां पे ये काम सरपंच साहब का कराया जाए। तीसरा, मैंने माननीय प्रतिभा पाल मैडम से गुजारिश की, उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल 100% आऊंगी। हमने जिस तरीके से धार रोड पे स्थिति थी कचरे को लेकर जो विवाद था, आज हमने उस क्षेत्र को एक चमन बनाया है। हमने माननीय महोदय से निवेदन किया है कि आप हमारे नगर निगम से सटा हुआ पंचायत है वहाँ का दौरा करें और हमें सम्मानित, हमारे को और उसमें क्या कमी, हम क्या कर सकते हैं उस मामले को लेकर हमने उनसे मांग की है कि आप एक विजिट करें यहाँ पे और थोड़ा हमारे से कि हमारा भी हौसला बढ़ेगा। इन बातों को लेकर हमने मुलाकात की है, लगभग हमारी 2-3 मांगे को एक्सेप्ट किया है इंदौर नगर पालिका निगम ने। ये हमारी ग्राम पंचायत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि ग्रीन पार्क में जो नया गेट है वहाँ पे बहुत ही जरूरी था गति अवरोध बनाने वाला, और एक नूरानी नगर जहाँ के अस्पताल भी है, तो दोनों जगह 8 दिन के अंदर अंदर हम गतिरोध वहाँ स्पीड ब्रेकर बनने वाले हैं। आप सभी के लिए बहुत अच्छी उसकी बात है, मैं इंदौर नगर पालिका निगम को बधाई दूंगा, प्रतिभा मैडम को जिससे आज हमने मुलाकात की और उन्होंने हमारी बात को माना और तत्काल उस पर कार्रवाई की।